जरूरी है क्योंकि हिंदुस्तान में अभी हम कैस्ट्रेशन की सजा नहीं देते हैबिचुअल चाइल्ड रेपिस्ट को, लेकिन विदेशों में जैसे अमेरिका है, रशिया है, पोलैंड है, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, इन सब कंट्रीज में हैबिचुअल चाइल्ड रेपिस्ट जो ऑफेंडर्स, सीरियल ऑफेंडर्स हैं, उनको कैस्ट्रेशन की सजा दी गई है। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि एक दिमाग की एक उसमें वो अपवाद होता है जिसकी वजह से चाइल्ड रेपिस्ट होते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि यही एक सॉल्यूशन है, क्योंकि कई चाइल्ड रेपिस्ट जब वो बेल पे बाहर आते हैं या सजा पूरी करके बाहर आते हैं, वो दोबारा बच्चों को रेप करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। वाकई जब 3 साल के बबच्चे, 5 साल की बच्ची, 7 साल के बच्चों के साथ रेप जैसा हीनियस क्राइम होता है और क्रिमिनल कुछ साल की सजा पा के मुक्त हो जाता है, पर वो बच्चा जीवन भर के एक जिंदा लाश की तरह रहता है, तो निश्चित ही ऐसे हीनियस क्राइम के लिए सख्त सजा की जरूरत है, जिससे कि कानून का डर रहे लोगों में और इस तरह के हीनियस क्राइम्स को कहीं न कहीं हम काबू करें। जो दो स्तर पे काम करना है, नंबर वन हमें स्पीडी जस्टिस बतौर वेरी गुड इन्वेस्टिगेशन जितनी जल्दी हो सके, चालान जितना जल्दी हो सके और गिरफ्तारियां जितनी जल्दी हो सके, और दूसरी तरफ हम लोगों को ये भी तो समझना होगा कि ये हो क्यों रहा है, क्यों लड़कियों पे इतना ज़्यादा सेक्सुअल वायलेंस इन्फ्लिक्ट किया जा रहा है। आप चाहे केमिकल कैस्ट्रेशन कुछ भी कर लें, ये कहीं से डिटरेंस की ओर हमें नहीं ले जाएगा। डिटरेंस सिर्फ एक है, डिटरेंस है रिस्पेक्ट फॉर वुमेन्स ऑटोनॉमी, सिर्फ एक डिटरेंस है, वो हमें डालना होगा लोगों में कि वो रिस्पेक्ट करें वुमेन्स ऑटोनॉमी को। कॉलर हैं इंद्रोजा जी बीकानेर से, उनकी राय के साथ आगे बढ़ते हैं। नमस्कार ओजा साहब। नमस्कार अश्विनी जी, बताएं सर क्या कहेंगे आप? भाई साहब सही मेहमान को नमस्कार करता हूँ जी। भाई साहब बेहद ही संवेदनशील मुद्दा आपने आज डिबेट में लिया है जी। सर मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। भाई साहब कितनी तय सजा हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें तय कर दे, कितनी सख्त सजा तय कर दे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाई साहब, आपके पास बहुत ही अच्छे व्यक्ति बैठे, मेरी बात को गौर से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि दुर्जन व्यक्ति तो जागता है और जो अत्याचार कर रहा है, लेकिन हमारा सभ्य समाज क्यों सो रहा है? मेरे अंदर ये सवाल हमेशा कौन सा है कि जो शिकार, यौन शोषण का जो शिकार बच्चा बनता है वो किस तबके से है? और आज पारिक साहब इस देश के अंदर 9 करोड़ लोग जिनके सर पे छत नहीं है और 6 करोड़ ऐसे लोग हैं जो झोपड़पट्टी की जिंदगी जीते हैं। आपको शिकर वाला केस मालूम होगा, रात को 2:30 बजे बच्ची को कहां से उठाएगा पारिक साहब? उसको उस हालात में किसी सभ्य समाज को या किसी सरकार को, किसी नेता को शर्म आती है इस बात पे? समाज पर भी गौर किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इंदौजा साहब। न्यूयॉर्क के ह्यूमन राइट वॉच ने 13 राज्यों में भारत के एक स्टडी करवाई, 12,500 बच्चों से बात हुई तो 80% बच्चों ने ये स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं किसी तरह से अपनों से वो यौन उत्पीड़न का शिकार हुए हैं। मतलब साफ है, आप शेल्टर होम में हैं तो भी आपके लिए संरक्षण की दरकार नहीं है, आप घर में हैं तो हो सकता है कि कोई रिश्तेदार आपका अपना भी इस मामले में कब शैतान बनकर उभर जाए। वर्षा जी मैं इसी पर आपसे बात करना चाहूंगा सबसे पहले कि इस तरह के मामलात को लेकर क्या एक सोच है, संकीर्ण सोच है कि समाज खुलकर नहीं बोल पाता, किस तरह के मामलात से आप सामना करती हैं? ऐसे हम लोग ने जो अभी तक केसेस देखे हैं उसमें पहली चीज तो हमें जो सामने आई है वो ये है कि दबाया जाता है मामला, क्योंकि घर की प्रतिष्ठा जो है वो उनके हिसाब से बिगड़ती है। पर आज हमने जैसे चाइल्ड लाइन के थ्रू काफ़ी सारी ट्रेनिंग स्कूलों में करना चालू कर दिया है और स्लम्स में हम जा रहे हैं इस बारे में बातचीत करने को, पॉक्सो के बारे में भी हम बताते हैं। तो उसमें उसकी वजह से आज ये हुआ है कि बच्चियां खुद रिपोर्ट करने को तैयार हैं केसेस, और वो यहाँ तक तैयार हैं कि वो FIR के लिए भी जाएंगी। पर जो हमारा सिस्टम है वो उसको मतलब बच्चियों को डरा देता है। अब जैसे पॉक्सो में ये बोला है कि जब भी कोई बच्ची जाएगी रजिस्टर करने तो वो पुलिस ऑफिसर सिविल इन ड्रेस में होना चाहिए उसके बयान लेने के लिए, है ना? अब ये चीज़ें उनको दिखती नहीं है तो बच्चे ऑब्वियसली डर जाते हैं। और घर में एक तरफ हमारे इसको जो सिचुएशन आ रही है कि बच्चे तो इधर पहुंच गए पर घर के जो लोग हैं, जो उनके गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, वो अभी तक एक लेवल पे नीचे ही हैं
क्योंकि वो सोच सामाजिक जागरूकता का कहीं ना कहीं जो ओझा साहब ने बात कही वो रोल निकल कर आता है। दिनेश जाखड़ जी सीकर से और खालिद कुरैशी साहब बीकानेर से, उनकी राय के साथ आगे बढ़ूंगा। दिनेश जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, बताएं सर क्या कह रहे हैं। भाई साहब सबसे पहले तो मैं मनन चतुर्वेदी को बधाई देना चाहूंगा, शुभकामनाएं देना चाहूंगा। बाल आयोग की अध्यक्ष सरकार ने चाहे काफी देरी से उनको बनाया होगा जी। सीकर में ये जो बच्ची थी उससे पहले हर्षित था, उसके पड़ोसी ने भी ऐसा ही किया था। नीम का थाना में स्कूल जाती हुई बच्ची के साथ भी ऐसा ही हुआ। ये तो काम करने वाले वो मानसिक तौर पे बीमार है, चरित्रहीन लोग होते हैं। स्कूलों में भी इस तरह का दुर्व्यवहार होता है और इन लोगों को सख्त से सख्त सजा, फांसी की सजा ही होनी चाहिए। मानसिक बीमार व्यक्ति जो बचपन खराब करता है उसको जिंदा रख के सरकार करेगी क्या? उसके लिए आप कोर्टों में लेके जाओ, पुलिस उसको लेके जाएगी, तो फांसी की सजा होनी चाहिए। सीधी सीधी जो मानसिक तौर पे बीमार है देश के लिए किसी काम नहीं आने वाले ऐसे लोग। चलिए जाखड़ साहब बहुत बहुत धन्यवाद। खालिद साहब नमस्कार। जाखड़ साहब ने सही कहा सर, एकदम जी बिल्कुल सही कहा है। बच्चों के साथ में गलत हरकत करने वालों को सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरे उनके माता पिता या परिवार को डरना नहीं चाहिए, उनका जो भी समस्या है प्रशासन को बताए। अगर प्रशासन उनकी कार्रवाई नहीं सुन रहा है तो खुद उन जो दोषी है उनसे सजा दे, उसके भले ही वो जेल हो जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैन साहब मैं आपका रुख करना चाहूंगा। भारत में बच्चों की आबादी करीब 430 मिलियन के आसपास है और 53% बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं यौन उत्पीड़न का शिकार है। समाज को हम दोष देते हैं लेकिन माता पिता भी ऐसे मामलात में जब तक बच्चे को शारीरिक क्षति नहीं पहुंचती तब तक मामला नोटिस नहीं कर पाते, ऐसे मामलात भी हमारे सामने आते हैं। देखिए बच्चों की महत्वता मेरे ख्याल से सबसे पहले हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अच्छे से समझी थी और वो अपना जन्म दिवस भी बाल दिवस के नाम से ही मनाते रहे हैं। प्रश्न आपने एक बड़ी जेन्युइन बात कही है सर कि एक समाज में माँ बाप को और बच्चों के बीच डायलॉग्स की जो कमी है कि बच्चों को सिर्फ हिंदुस्तान हमारे समाज में अभी भी ये परंपरा है कि बच्चा सिर्फ एक रिसीविंग एंड पे जो माँ बाप के वो सुनता रहे। बच्चों और माँ बाप के बीच जो एक इंटरेक्शन की कमी है कि बच्चा खुलकर अब अपनी बात अपने माँ बाप को बताए, वो उसमें एक सबसे बड़ी कमी। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जब भी कोई छोटी घटना भी होती है तो उसको दबा दिया जाता है। बीच में आप टीवी शोज पर डिफरेंट कई जगह एडवर्टाइजमेंट करके इसको जागरूक करने की भी कोशिश की। कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं वो इस स्थिति को समझते ही नहीं कि उनके साथ जो किया जा रहा है वो एक्चुअली ऑफेंस है या उनके साथ सेक्सुअल एग्रावेटेड या सेक्सुअल असाल्ट का प्रयास किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जो एनजीओज हैं या इवन द गवर्नमेंट है उनकी जिम्मेदारी है कि इस मामले में जागरूकता लाए। और इसी का कारण है कि जो रिपोर्टेड केसेज हैं वो ज़्यादातर एग्रावेटेड सेक्सुअल असाल्ट के फॉर्म्स के हैं, सेक्सुअल असाल्ट के या बच्चों को इस अदरवाइज हेरेसमेंट करने के, जो हेरेसमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस का जो एक स्पेशल प्रोविजन पॉक्सो में किया गया है उसके तो केसेस लगभग न के बराबर आ रहे हैं, जबकि उसकी ज्यादा जरूरत है। और इसका रीजन भी ये कि जैसा आपने वर्षा जी ने भी बताया कि उसमें बता हुआ कि स्पेशल पुलिस होनी चाहिए, चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस जैसे वेस्टर्न शर्तों पर तो काम होता ही नहीं में ये सारा का सारा, जबकि एक सा माहौल तो हो कि बच्चा अपने मन की बात कह सकते हैं। चाइल्ड हेल्पिंग पुलिस जो होनी चाहिए, अब आपको वर्दी में बैठा हुआ आदमी है वही पकड़ के ला रहा है और वहीं 6 गालियां चल रही, तो बच्चा जाके क्या बोल सकता है? जब बच्चों के लिए अभी जब महिला डेस्क है वहीं पर महिलाएं नहीं, तो चाइल्ड पुलिस जैसी तो कोई व्यवस्था अभी तक हुई नहीं है। बिल्कुल मनन जी, बच्चों से आप शुरुआत से जुड़ी रही, एक संस्था भी आप चलाती है, मैं इसलिए समझना चाह रहा हूँ कि बच्चों के इस मर्म को भी आप समझती होंगी कि स्थिति क्या होती है। अब बाल संरक्षण आयोग की जिम्मेदारी आपको मिली है, जो चीज़ें निकल कर रही है खासतौर पर पुलिस के लिए गाइडलाइंस, अलग से पॉस्को के लिए कोर्ट्स की बात हो, ट्रेनिंग की बात हो, क्या बाल संरक्षण आयोग ये मंच दे पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल दे पाएगा। मेरे को एक चीज़ बहुत देर से दिमाग में आ रही है, मैं अभी जब आ रही थी आपके पास में तो एक बात थी कि हेलमेट नहीं लगाया तो पकड़ लिया, सीट बेल्ट मैंने लगाई क्योंकि मुझे पकड़ लेंगे और चालान हो जाएगा, और हम एक 500 से 1000 रुपए के लिए इतने सतर्क रहते हैं कि बेल्ट लगाएं, हेलमेट लगाएं, रेड लाइट को क्रॉस नहीं करें, टाइम बर्बाद होगा, तो ये कितना बड़ा विषय है। इन विषयों के लिए लाइसेंस जब्त होना, सजाएं होना जब वाजिब मानी गई है, तो ये तो बहुत बड़ा विषय है, किसी की ज़िंदगी का सवाल है। और जो ट्रैक हो रहा है, जो जिसके साथ रेप हो रहा है वो तो बच्चा है, जिसको जो इस बात से अननोन है कि उसके साथ क्या हो गया, तो डेफिनेटली पहली ड्यूटी मैं तो अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ, क्योंकि हमारे को स्कूल्स तक में शिकायत पेटियां लेकी जानी चाहिए। और जब हम बड़े बड़े ऑफिसेज में कमेटी बना रहे हैं, मैं 6-7 जगहों में जैसे एक्साइज में और एंटी करप्शन ब्यूरो में मेंबर बनी, तो मुझे लगता है स्कूल्स में
इस तरीके की कमेटीज बना देनी चाहिए, क्योंकि आजकल का कल्चर इतना फ्रैंक एंड फ्रिक्वेंट हो गया है कि वो लोग आपस में जेल भी होते हैं, बात भी होती है, और चीज़ें कब पलट जाती हैं वो पता भी नहीं चलता है। तो हमें ऐसी बच्चों के ग्रुप्स, बच्चों को अधिकार, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस, उनको लेक्चर और उनके पास में नॉलेज, बच्चों को नॉलेज, संवाद सबसे महत्वपूर्ण जरिया है, वो लगातार जारी रहना चाहिए। विजय सोनी जी जयपुर से अपनी राय के साथ जुड़े हैं। नमस्कार विजय जी। नमस्कार सर, बताएं सर क्या कहेंगे। सर एक तो प्रशासन की भी कुछ कमजोरियां हैं, और एक सर की फिल्मों में भी कुछ ऐसा रुझान दिखने को मिलता है जिससे ये फैलती है। तो जो चीजें इनमें है, जड़े हैं, उनमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उन पे ज्यादा ध्यान होगा तो कमजोर होगा थोड़ा माहौल। और एक पूरन स्टार को अपना बहुत बहुत शुक्रिया विजय सोनी जी। रचोया साहब, ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल आपसे भी, क्या आपने पुलिस ट्रेनिंग की बात की थी? पुलिस ट्रेनिंग अगर ठीक से हो जाए तो आपको लगता है कि व्यवस्था में काफी हद तक सुधार आ जाएगा? बिल्कुल। एक्चुअली ये जो बाल उत्पीड़न के मामले हैं, इनमें कोई स्पेशलाइज ट्रेनिंग पुलिस में है ही नहीं, क्योंकि बेसिकली जो है हमारा जो थाना है वहीं जाके शिकायत होती है। हमने ना थानेदार ट्रेंड किया, ना हवलदार किया, ना सिपाही किया। तो आप कानून कितना भी सख्त बना दें, क्लासिफिकेशन कितने भी कर दें, इम्प्लीमेंट तो थाना करेगा। अब थाने के अंदर जो है इतना ओवरलोड है, मंत्री जी जा रहे हैं उनके पीछे, सिक्योरिटी के अंदर 10 आदमी लग गए, गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है, कोई सरकार इंटरेस्टेड नहीं है। और गरीबों के बच्चों के साथ ही उत्पीड़न होता है, अमीरों के बच्चों के साथ नहीं होता। बेसिक दिक्कत क्या है कि जो बेचारा गरीब है, काश्तकार है, जमींदार है, और जो हरिजन है, आदिवासी है, उन्हीं के बच्चे कना ज्यादा कना जो है गरीबों। आप कहना चाह रहे हैं कि इस तरह की समस्याएं ज्यादातर पिछड़े इलाकों में आती है, पिछड़े लोगों में, इलाकों में नहीं, पिछड़े लोगों में। और उसके लिए ना तो पुलिस संवेदनशील है, ना हमारी अदालतें संवेदनशील है, ना हमारे नेता संवेदनशीलता सबसे बड़ा सवाल है। तो इसमें इजाफा कैसे किया जाए? समाज को संवेदनशील बनना चाहिए या फिर कानून को सख्त बनना चाहिए? आखिर क्या रास्ता हो कि बाल उत्पीड़न पर लगाम कसी जा सके? ये बढ़ते मामले आखिर किस छोर पर आकर रुकेंगे? चर्चा जारी है। छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं बिग फाइट लाइव। राज्य सरकारों को और केंद्र की सरकारों को कठोर कानून बनाना चाहिए, जब ही इन अपराधियों से हम निजात पाएंगे। एक जो लोग अभी वर्तमान में देश पर शासन कर रहे हैं, वो सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक अपना नए तरह से कानून का निर्माण कर रहे हैं। जिनके साथ इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, उसके लिए सरकार को मंथन करना चाहिए और कानून में संशोधन करना चाहिए, और ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे ये जो रेप करने वाले हों इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले।